क्या हुआ, तुम्हें क्यों चाहिए था? वो महिला मंडल बैठी है ना, तो उनको दिखाना था। कोई बात नहीं, मैं रखती हूँ फोन। देवा, मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? काय जाला आई? सुनो, वो वॉकमैन बंगार में चला गया। पर आपने वो बॉक्स के अंदर देखा नहीं था माधवी भाभी? क्या हुआ, बहुत सारा बंगार था ना, तो घाई गड़बड़ी में मैंने वॉकमैन रख दिया, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा वॉकमैन! ऐसे कैसे नहीं देखा आपने माधवी भाभी? अरे देवा, इतने सालों से संभाला हुआ वॉकमैन बंगार में चला गया। आई माधवी भाभी, बुरा मत मानना, पर एक बार जरा सोचिए, आपका ये खास वॉकमैन भंगार में गया तो आपको कितना दुख हो रहा है। भिड़े बाई की भी पुरानी चीजें उनके लिए कितनी खास थी, कितनी स्पेशल थी। हाँ, उनको भी बहुत दुख हुआ होगा ना। हाँ, टूटी फूटी ही सही, पर उनके लिए पुरानी यादें थी वो सारी चीजें, और जो चीज दिल से जुड़ जाती है उससे बहुत लगाव हो जाता है। बिल्कुल बराबर छे, जो दिल के नजदीक होता है ना, फिर चाहे वो कोई चीज हो या फिर कोई इंसान हो, अगर वो दूर जाता है ना तो बहुत दुख होता है। एब्सोल्यूट। और माधवी भाभी, भिड़े भाई तो आज के जमाने से ज्यादा पुराने जमाने में जीते हैं। हाँ। उनके जमाने की बातें याद करके खुश होते हैं। हाँ। और उनकी पुराने जमाने की चीज दूर हो गई तो उनको दुख तो होगा ही ना। आप लोग बिल्कुल सच कह रही है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा लगा था कि मैंने इनकी भावनाओं को समझा, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मैंने सही तरीके से समझा ही नहीं था। अब समझ में आ रहा है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इनकी पुरानी चीजों को भंगार में नहीं देना चाहिए था। ये तो हमारे जमाने की चीजें हैं। हाँ, जो फेंकनी है। क्या बोल रही हो तुम आदमी, फेंकना है? अरे ये सिर्फ मेरी पुरानी चीजें नहीं है, मेरे दिल के टुकड़े है। मुझे ये कितनी बार कह रहे थे, कितनी बार विनती कर रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन मैंने इनकी एक बार भी नहीं सुनी। क्या कब से भंगार 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 लगा रखा है? ये पुरानी चीजें भले ही, लेकिन ये एंटीक चीजें मिलती नहीं आजकल। ये सब कचरा है, आप इसे बाहर फेंक के आइए बस। बहुत कचरा? अरे माधवी, ये मेरी पुरानी चीजें, मेरी यादें हैं। सिर्फ तानाशाही की, सिर्फ तानाशाही। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। बेचारे भिड़े भाई। खरोस बेचारे, अगदी बेचारे। ओह, प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर देना। ओ कम ऑन माधवी भाभी, अब आप यहाँ बैठकर अफसोस मत कीजिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ कोमल भाभी? मैंने इनके अनमोल यादों को भंगार में बेच दिया। आई, हम भंगार वाले के पास चलते हैं ना, हो सकता है हमें हमारा सामान वापस मिल जाए। हाँ। गुड आइडिया। सोनू, मेरा पर्स लेके आ। बॉय। सॉरी, हाँ हम लोग भंगार वाले के यहाँ जा रहे हैं, आप लोग बैठिए, मैं वापस आते हैं। अरे नहीं नहीं रानी, अभी चौके हम लोग अभी निकलते, हम पार्टी कभी और कर लेंगे। हाँ। आप लोगों को अगर ये मिले तो इनको बताना मत कि मैं पुरानी चीजें वापस लेने गई हूँ, मुझे सरप्राइज देना है इनको। नहीं बताएंगे माधवी भाभी। हाँ, नहीं फिक्र रही है। चलो हम लोग चलते हैं। ओके, बाय 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 बाय। अरे आइए आइए, वेलकम वेलकम। वो थोड़ी देर पहले छाते वाले भाई साहब के साथ मैं आई थी ना, वो पुराने चीजों का बॉक्स लेकर, वो आपको हमने दिया और आपने हमें उसके 75 रुपए दिए थे, आपको याद है? हाँ हाँ हाँ। तो वो बॉक्स मुझे वापस चाहिए। मैं आपको 75 रुपए
100 रुपए देती हूँ। वो छाते वाले भाई साहब ने बॉक्स के मुझे 75 के बदले 1000 रुपए दिए और ये मैडम वापस बॉक्स लेने आ गई। ऐसा क्या था बॉक्स में? खजाना था? हाँ भैया, उस बॉक्स में हमारे लिए खजाना ही है। देखिए, मैं आपको 200 रुपए देती हूँ चाहे तो, लेकिन आप प्लीज सामान दे दीजिए मुझे। मैडम, मैंने वो बैग 1000 रुपए में भेज दिया है। क्यों भेजा आपने? मतलब किसको भेजा? मैडम, आपके साथ जो छाते वाले भाई साहब आए थे ना, वो ही थोड़ी देर पहले आए और बॉक्स वापस लेकर चले गए। हाँ पक्का। ऊपर पहुंची, थैंक यू सो मच। सर सुनो सर, एक मिनट आई। पोपट अंकल वापस आकर सारा सामान लेकर गए, मतलब पोपट अंकल बाबा के साथ मिले हुए हैं। हाँ पर ठीक है सोनू, वो भले ही मिले हुए हैं। हाँ तो आई, पोपट अंकल ने तुम्हारी नहीं बाबा की मदद की है। तो क्या हुआ, पोपट भौजी ने मेरी भी तो मदद की थी। और भले ही सोनू, पोपट भौजी अभी इनके साथ हो, मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके हमारे जमाने का सामान एकदम सुरक्षित है। पोपट भौजी ने सामान वापस लाकर मुझ पर जो उपकार किया है ना, इसके लिए उनको सब माफ है। हाँ वो तो है, पर आई अब क्या करना है? अभी क्या, गोकुलधाम ही जाएंगे, क्योंकि पोपट भौजी सामान लेकर आए, मतलब तूफान एक्सप्रेस तो नहीं गए होंगे, घर ही गए होंगे। हम लोग बाहर जाते और साथ में ना भूखे और मिठाई भी लेके जाएंगे पोपट भौजी के लिए। चल चलो बाबूलाल, मैं चलता हूँ। ओ, मेरा खजाना संभाल के रखना। अरे हाँ हाँ, तो बिल्कुल चिंता मत कर, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक तेरा खजाना यहाँ मेरे घर पर रह सकता है। लेकिन एक बार तेरी भाभी आएगी फिर तुझे अपने इस पुराने सामान को लेकर जाना पड़ेगा। अरे उससे पहले लेके जाऊंगा, बस माधवी को पता नहीं चलना चाहिए। सॉरी माधवी भाभी। चलो मैं चलता हूँ बाबूलाल, मार्केट जाके पेमेंट कलेक्ट करता हूँ, शाम को सोडा शॉप पे मिलते हैं। चलो। भैया ये रुको 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 रुको, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, रुको 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 रुको। पेमेंट तो मैं कल भी कलेक्ट कर सकता हूँ, सोसाइटी का इंपॉर्टेंट काम निपटा देता हूँ आज। अरे आया आया, ये लगता है भीड़े वापस आ गया। हेलो पोपट अंकल। भाभी भाभी, आप इतने हड़बड़ा क्यों गए हमें देखकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अंदर आए? आइए। सॉरी पोपट भौजी, मेरी वजह से ये आपसे नाराज है, गुस्सा है। अरे नहीं माधवी भाभी, मैं आपको पहले ही बोला ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 9 दिन के लिए नाराज रहेगा, लेकिन फिर मान जाएगा भीड़। और अगर नहीं माना तो मैं उसे मना लूंगा, आखिर दोस्त है मेरा। हाँ वैसे भी दोस्ती में ज्यादा दिन तक नाराजगी नहीं रहती है। नहीं ये लेकिन बुके और ये सब आपके लिए। मेरे लिए? क्यों?
मदद जो की है, तो भूखे और मिठाई बनता है ना? हाँ। अरे अरे माधवी भाभी, आप मेरी बहन है और बहन की मदद करना भाई का फर्ज है। आगे भी कभी भी आपको किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी हो तो इस भाई को याद कीजिएगा, मैं तैयार रहूंगा। कितने छान बघितलं सोनू, भाई हो तो इनके जैसा। थैंक यू पोपट भाऊजी, थैंक यू सो मच। अरे भाभी भाभी, आपने थैंक यू बोल दिया उसमें सब आ गया, ये सब इन सब की क्या जरूरत थी? मैंने तो सिर्फ छोटी सी मदद की थी आपकी। नहीं नहीं, ये बुके और मिठाई आपने मेरी मदद की इसलिए नहीं दे रही हूँ आपको, तो आपने इनकी मदद की इसलिए दे रही हूँ। इनकी मतलब? इनकी मतलब माजे है? भिड़े? नहीं नहीं नहीं। हाँ। मैंने भिड़े की कोई मदद नहीं की है। पोपट भाऊजी, आप भंगार वाले से सामान वापस लेकर आए हैं। नहीं नहीं, मैं सिर्फ आपके साथ भंगार वाले के पास गया था, उसके बाद मैं गया ही नहीं हूँ। पोपट अंकल, आई को पता चल गया है कि आप भंगार वाले के पास जाकर सामान वापस लेकर आए हैं। सोसाइटी में आया तब तो मुझे किसी ने नहीं देखा था, तो इनको किसने बताया? खुद भंगार वाले ने। अच्छा, किसने? साक्षात भंगार वाले ने ही बताया। हम अभी वहीं से आ रहे हैं। सॉरी माधवी भाभी। पोपट भाऊजी, देखिए माधवी भाभी, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। कि आपसे अलग होने के बाद मैं अपने ऑफिस गया, वहां पे मैं आराम से अपना काम कर रहा था, तभी भिड़े का फोन आया। मैंने उसकी एक नहीं सुनी, फोन काट दिया। तो उसने वापस फोन किया, तब भी मैंने उसको बोला कि देख भिड़ा, मैं माधवी भाभी की इच्छा के विरुद्ध यह सामान वापस लेकर नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं आऊंगा। लेकिन फिर उसने मेहता साहब को वकील बना के मुझे फोन करवाया। फिर मेहता साहब ने मुझे समझाया कि देखो पोपटलाल, पति पत्नी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि क्या है कि एक दो दिन के बाद पति पत्नी तो एक हो जाते हैं, लेकिन आप जीवन भर के लिए उनके दुश्मन बन जाते हैं, और यह मैं कतई नहीं चाहता था। इसलिए मैं भंगार वाले के पास जाकर ये बॉक्स वापस लेकर आया। माधवी भाभी सॉरी आपका विश्वास तोड़ने के लिए, लेकिन प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए। पोपट अंकल, आई नाराज नहीं है, बल्कि आपके इस काम से बहुत खुश है। हाँ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माधवी भाभी, अभी सुबह आप ये भंगार को लेकर इतनी परेशान थी, उसे निकालना चाह रही थी, और अब मैं भंगार वापस लेकर आया हूँ तो आप खुश हो रही है? एक मिनट पोपट भौजी, सबसे पहले तो आप उसे भंगार मत कहिए। हाँ, वो भंगार नहीं है, इनकी पुरानी अनमोल यादें हैं। लो, हो गए पति पत्नी एक। नेता साहब ने सही कहा था, बच गया मैं। सच में पोपट भाऊजी, थैंक यू सो मच। एक मिनट माधवी भाभी, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए ना। अचानक आपको ये भंगार, मेरा मतलब है पुरानी यादों को वापस लाने का कैसे सूझा? मतलब ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? पोपट अंकल, बाबा ने आई को जब उनकी सगाई हुई थी ना, तब उनके पहले जन्मदिन पर एक वॉकमैन गिफ्ट किया था। वो वॉकमैन आई के दिल के बहुत करीब है, उनके लिए पहला स्पेशल गिफ्ट है। जब वो वॉकमैन गड़बड़ी में उस बॉक्स में चला गया, तब आई को बहुत दुख हुआ, और तब मुझे एहसास हुआ कि अपनी पुरानी चीजें अपनी भावनाओं के साथ कितनी जुड़ी हुई होती है। उसके बाद हम तुरंत भंगार वाले के पास गए, वहां जाकर पता चला कि आप 1000 रुपए देकर वो बॉक्स वापस लेकर आए। थैंक यू सो मच पोपट भाऊजी। अरे माधवी भाभी,
आपको पता है मेरे दिल पर कितना बड़ा बोझ था, लेकिन अब मैं टेंशन फ्री हो गया। जीवन में जो भी होता है ना पोपट भाऊ जी, वो अच्छे के लिए ही होता है। अभी ये लीजिए बुके और ये मिठाई आपके लिए, और हमारी पुरानी अनमोल यादें दे दीजिए। अभी अभी लेकर आया। पोपट भाऊ जी, पोपट भाऊ जी है। आ गया, आ गया। भिड़ा परिवार की यादों का खजाना। थैंक यू सो मच पोपट भाऊ जी। थैंक यू पोपट अंकल। आई ये सारा सामान देख के बाबा कितने खुश हो जाएंगे। मस्त सरप्राइज देंगे उनको। ये भिड़े के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। थैंक यू। चलो ओके ओके ओके, चल बाय पोपट अंकल। और बाय 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 बेटा बाय। मैं सबको फोन करके थैंक यू बोल देता हूँ। मजा आएगा। मेरे हस्बैंड वहां खड़े हैं ना, उनको सरप्राइज गिफ्ट देना है, उनका बर्थडे है आज। ये हाँ हाँ, चलिए ना, चलिए ना। दर्शकों, दुनिया में इंसान कहीं भी चला जाए, घूम फिर कर अपने घर पर ही वापस आता है। ठीक वैसे ही भिड़े का पुराना सामान उसके घर पे वापस आ रहा है, और ये कौन ला रहा है? खुद माधवी भाभी। भाई वही माधवी भाभी जिन्होंने सामान को भंगार करार कर दिया था। इसलिए तो कहते हैं दुनिया गोल है। और मैंने पोपटलाल से पहले ही कहा था कि पति पत्नी के रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो कब झगड़ लें, कब एक हो जाए पता ही नहीं चलता। दोस्तों एक विशेष बात, दर्शकों कल लोहड़ी है, तो सुख समृद्धि और खुशियों के पर्व पर लोहड़ी की लख लख बधाइयां। आप तो जानते हैं ना कि पुराना सामान भिड़े के लिए कुबेर के खजाने जैसा, ये भंगार खुद माधवी भाभी लेकर आ रही हैं। तो भिड़े की खुशी तो सातवें आसमान पर पहुंचेगी, ये बात पक्की है, और आपकी हंसी भी पक्की है। तो देखना लो भोले तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.